नहीं, आईटी में आज आप कुछ भी पिक कर सकते थे, लेकिन असली प्रॉफिट बनाया अगर आपने कल पिक किया होता तो आज भी ठीक है, लेकिन वो जो कल मार्केट ने आपको एंट्री दी आईटी में, ये बात तो आप मानेंगे, आज थोड़ा एंट्री में एक बार आपको डर लग रहा होगा, लेकिन कल एंट्री अच्छी थी मार्केट ने, कल सुबह व्यू था पॉजिटिव और कल कंफर्मेशन आया जब वो आपने मुझे बोला कि वो 20 डे में क्रॉस कर रहा है निफ्टी आईटी, और कल हालांकि कल मुझे ये नहीं पता था कि एक्सेंचर के इस तरह के नंबर्स आ जाएंगे, लेकिन कल जो एक ट्रिगर मिल गया था वो डॉलर इंडेक्स से मिल गया था। कई बार ट्रिगर आपको कहीं और से मिलता है और एक्चुअल रीज़न बाद में आता है, तो ट्रिगर कल डॉलर इंडेक्स से मिल गया लेकिन एक्चुअल रीज़न आया वो एक्सेंचर के नंबर्स और वो यूएस का डेटा। देखिए, यूएस यूएस के डेटा को भी आप इंपॉर्टेंट समझिए और यूएस का जो डेटा पॉइंट था वो भी इंपॉर्टेंट था, इसमें दोनों का तड़का है, एक्सेंचर तो है ही लेकिन जो यूएस का डेटा आया, बार बार कहता हूँ मैक्रो ट्रिगर है गोल्डिलॉक्स, इकोनॉमी ग्रो करे और ये आपका रेट कट हो, इससे बेटर क्या हो सकता है, और यही बात हमारी एक्चुअली कल हुई भी थी कि शायद आईटी यहाँ से चल सकता है। आज के लिए मैं एक पॉजिटिव व्यू लेकर चल रहा हूँ आईटी पर, और उसका कारण यह है कि निफ्टी आईटी 20 डेमा के जस्ट नीचे सारे के सारे लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स, चाहे इन्फोसिस हो, चाहे टीसीएस हो, चाहे विप्रो हो, ये सारे के सारे लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स अपने सपोर्ट के काफी करीब हैं। और ये एक्सेंचर की तरफ से जो गाइडेंस आया वो पॉजिटिव है टीसीएस के लिए, उस लिहाज से बाकी सारी आईटी कंपनियां रादर रेडार पर रखेंगे आप। आईटी एज अ सेक्टर फोकस में रहेगा कल सुबह से सीएनबीसी आवाज पे, एक्सेंचर के आने वाले नतीजों की चर्चा हो रही और नतीजे जो हैं, जो FY25 का गाइडेंस हो, जिस तरह की ऑर्डर बुकिंग की बात हो, रीड थ्रू खासा पॉजिटिव इंडियन आईटी के लिए, तो शायद आज पूरा आईटी सेक्टर रडार पे। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।